नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं। वास्तु से संबंध ये रखती है जानकारी आपके लिए। वास्तु शास्त्र में भूत प्रेत बाधा का भी वर्णन आया है। अधिकांश घरों में कुछ खटपट की आवाज आती है, रात को सुनसान रहता है, या तो पितरों की आवाज होती है या किसी अन्य की आवाज हो सकती है और घर के मेंबर डरते हैं। ऐसे मेरे पास कई प्रकार के विषय मेरी जानकारी में आए। कई लोगों ने फोन भी किया है और उन्होंने कहा कि इस पर आप जानकारी दीजिए। जनता की डिमांड और उनकी मांग पर ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। अंधविश्वास में बिल्कुल ना फंसे, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा का जो मकान होता है और पीछे ममटी बनी रहती है, ममटी मतलब जीना, सीढ़ी चढ़ती है और वहाँ खाली स्पेस होता है, तो वास्तु शास्त्र या विज्ञान का नियम है अलग अलग तरह तरह की आवाज कहीं की हो तो वो गूंजती है वहां पर। कई बार जो पितृ देवता होते हैं, भूत प्रेत बाधा का वास भी होता है उस घर में। ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड कमर के दर्द की बीमारियां रहती हैं। उनके पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है घर के सामने होता है तो घर का जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। आर्थिक स्थिति, घर की में रोग रहता है, कमर की बीमारियां रहती है, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी रहती है। जो कुछ मेंबर होते हैं वो अक्सर बीमार, उनके कार्यों में बाधाएं, परेशानी, अशांति, टेंशन, कलह और परस्पर वैचारिक असमानता बनी रहती है। तो इस सब को दूर करने का नियम क्या है? आप घर के अंदर या बाहर स्वास्तिक चिन्ह लगाएं, लैट्रिन और बाथरूम, शौचालय को छोड़ करके पूजा स्थान आदि में, एंट्री में जहां भी मुख्य द्वार है वहां स्वास्तिक चिन्ह लगाएं। घर में हर शनिवार को गूगल, अजवाइन, लोबान आदि का धुआं करें, धुनी लेनी चाहिए। और ब्रह्म राक्षस वेता कुष्मांडा भैरवादया न शि दर्शन आपसे कवचे हृदय संस्थित। उस घर में कवच का पाठ हो, दुर्गा जी का कवच। कवच का पाठ करने से, कवच का मतलब रक्षा करने वाला। भूत ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया जितने भी न शि दर्शन आपसे, जब वहां दुर्गा कवच का पाठ होगा सब प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ऐसा करने से, अखंड ज्योति जलाने से या नवरात्रों में पाठ भी करें तो घर की सब दरिद्रता, परेशानी, कार्यों में जो बाधा आ रही वो भी दूर होगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। और जो भूत प्रेत बाधा संबंधी जो मन में साइकोलॉजिकली या फिजिकली जो भी अगर है वास्तव में भी, वो सब खत्म हो जाएगा। ये मेरा बिल्कुल बहुत कीमती सुझाव है आप सभी के लिए। मकान में अधिकांश ये देखने में आया है कि उसमें अगर कोई किराएदार रहता है तो वो आत्महत्या करता है, या घर में कोई नौकर चाकर अगर काम करता है वो आत्महत्या कर सकता है, या आप घर से बाहर गए हैं और किसी व्यक्ति को आप देख रेख के लिए घर में छोड़ करके गए हैं तो उसकी आत्महत्या करने की संभावना ज्यादा रहती है, या अकाल मृत्यु के कारण कोई आत्मा अगर भटकती है ऐसे मकान में जिसका मुख पश्चिम दिशा में हो और पीछे ममटी और सीढ़ी वगैरह बनी हुई हो और ज्यादा स्पेस हो, तो ऐसी स्थिति में प्रेत भूत आदि की संभावना लगती है। ऐसे घर के लोगों को नजर लगना या पड़ोसियों के द्वारा कोई तंत्र मंत्र आदि क्रिया करने से अशांति, तनाव और परेशानी रहती है। तो इसका लिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये जो बताया जा रहा है उसको आप जरूर करें, अवश्य लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार।